हेलो गाइस, राम राम जी और सत श्री अकाल। मेरा नाम है सनी कतियाल, वेलकम बैक टू हम लोग। कैसे आप लोग अब सब ठीक होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे? तो गाइस मिलिए हमारे भैया से, संदीप शर्मा जी से। हाय जो, तो गाइस ये भैया जर्नलिस्ट हैं, तो अभी हमारा क्या है फीवर में, फीवर के ऑफिस में आ रखे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा प्रॉपर दिखाता हूँ। आ चुके हैं एयरफोर्स स्टेशन, जो कि मोदी तो पीएम हाउस के ठीक सामने पड़ता है। अभी हम ढूंढ रहे हैं शॉप कहाँ पर, मतलब ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग में जा रहे हैं। हमें स्पेशल अभी हमने एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, बस अंदर एंट्री करने वाले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं अंदर का थोड़ा सा व्यू। इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने संदीप भाई से दोबारा से, अब बात करते हैं आप किस पर्पज से आ रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ओपनिंग है और उसके प्रोफेशनल सेक्रेटरी यहाँ पर आ रहे हैं, सीएम के साथ जो रहते हैं उनका ओपनिंग करने। तो छत्तीसगढ़ भवन का यहाँ पे एक स्टॉल है जो बनाया गया है यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन में। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, देखिए जैसे स्पीचलर्स है, ये लाइव न्यूट्रिशंस है, आखिर देखिए इस पर काफ़ी तरह के बाहर के जो एयरफोर्स से जुड़े लोग हैं या एम्बेसी से जुड़े लोग हैं जो भी मोस्टली यहाँ पे आते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे, आप यहाँ पे आ सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है यहाँ पे एयरफोर्स से। हमें कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा सा, मैं आपको जो भाई ने लोकेशन बताई मतलब क्या क्या है सेटअप पूरा दिखा देता हूं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है जो बहुत बड़ी, ये रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है आप देख सकते हैं, दिगी, दिगी इन कहते हैं इसे, दिगी इन। और ये तो यहाँ पे आके आप गाइस हैं, यहाँ पे मॉल इंजॉय कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा है कि आपको बाहर बताना पड़ेगा आपको जाना कहाँ है। यहाँ पे ये जगह है संतुष्टि कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ पे आइए और इंजॉय कीजिए इस जगह को। बट इसमें थोड़ा सा है कि आपको गेट में जो परमिशन है एयरफोर्स वालों से, आर्मी वालों से थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आइए और उनको कहिए कि यहाँ पे हमारे को इस करके रेस्टोरेंट को देखना है और यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हैं। रीजन ये है कि क्योंकि सामने पीएम हो, पीएम तो पीएम हाउस की जो सिक्योरिटी आपको पता कितनी है हाई होती है, तो बस वो सिक्योरिटी के वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी सब सही है। इसमें एक और अपने भैया से मिलवाता हूँ जिनका नाम मनोज शर्मा है, ये यहाँ के एनवायरनमेंट का अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। मिलिए मनोज शर्मा जी से। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, आप हैं संस्कृति आर्केड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह की चीज़ें जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं यहाँ मिलती हैं। एक शॉप पर लेके चल रहे हैं हम आपको, वहाँ के कुछ चीज़ें दिखाएंगे। अदर इंपैक्ट में हम आ चुके हैं और आइए जानते हैं यहाँ की क्या क्या प्राइस है। यहाँ पे सेल्समैन है, इनसे जानते हैं कि ये पर्स है, लेडी पर्स है और प्योर लेदर है, प्योर लेदर में और डेकोरेटेड है, फुल देख सकते हैं आप। तो सर क्या प्राइस होगा इसका? 1800। ये कौन सा बैग, कैरी बैग? लेडीज बैग। ये क्या प्राइस है इनका? 9500। प्योर लेदर है गाइस, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनकी खुद की मैन्युफैक्चर है। खुद सबसे बड़े मजे की बात है यहाँ पे, खुद इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, अपने हाथों से बनाते हैं और यहाँ सेल करते हैं। जैकेट्स हैं यहाँ पे, तरह तरह की जैकेट्स हैं। सर ये जैकेट से ये प्योर प्योर लेदर है? क्या प्राइस होगा सर इनका? जो दाम अलाउन वगैरह में जो टैग लग के जाती है, ये जो लेदर की जैकेट है 15,000 से 16,000 तक की का प्राइस है इनका। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद अपने हाथों से बनाई जाती है यहाँ पे। तो कुछ बेल्ट भी है डेकोरेटेड देख सकते हैं, जेंट्स और लेडीज हाँ, खादी सिल्क, ये भी हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग, ये देख सकते हैं आप जो लेदर्स की बेल्ट है, लेडीज एंड जेंट्स की बेल्ट है, ये भी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सर आप? जी सर। ये क्या प्राइस है सर इनका? 1800 अलग अलग प्राइस। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाए, खादी के कुर्ते भी यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर? जी सर। ये खादी के कपड़े भी हैं जो कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत ही अति सुंदर ये कुर्ते हैं। और संस्कृति आर्केड में जब आप आएंगे तो लेदर इंपैक्ट में जरूर एक बार आइएगा, आपको नई सी नई चीजें देखने को मिलेगी जो खुद स्वदेशी है, खुद अपने हाथों से बनाई गई, खुद मैन्युफैक्चरिंग है और मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग है, खुद अपने हाथों से बनाए जाते हैं। मैं सेल्समैन से मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जानना चाहेंगे सर जी क्या प्राइस होते हैं? 3 to 5 0 3 to 5 0। डिजाइनर शर्ट
Yes. And if you want to make it plain, you can use one order also. Okay. As would be. और कुछ नया आपके पास जो आज के दौर में चल रहा हो? Yes. Yeah, this is called a designer. This is called a Kani. 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 Yeah. Kani. 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 Hello. Sir जी. Yes sir. तो भाई जो भी आप देख रहे हैं ये हैंडमेड है, बिल्कुल हैंडमेड है, अपने हाथों से बनाया, स्वदेशी है। तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, मेड इन इंडिया, ये वही चीज़ है जो संतुष्टि कॉम्प्लेक्स में आपको दिखा रहे हैं। स्टूडियो वन शॉप पे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए और आपको एक से एक नया से नया लुक मिलेगा, नए से नए जैकेट्स मिलेंगी, हर तरह की मिलेगी, कुर्तीज मिलेंगी। आप देख सकते हैं इंडो वेस्टर्न है, आप देख सकते हैं। ये सर क्या प्राइस होगा इसका, शेरवानी का? 22,500 इसका प्राइस है। कोट इज द फुल सूट एंड टाई कॉस्ट 16,500। ओके, कॉस्ट यू क्रॉक्स 70,000। आप शेरवानी देख सकते हैं, आप स्टूडियो वन देखिए कितनी बेहतरीन शेरवानी है, ये आप परचेज कर सकते हैं। सर इसका प्राइस क्या होगा? 70,000 विद द कुर्ता पजामा एंड विद द जूतीज। यस, ओके ओके, बहुत बेहतरीन, मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद अपने हाथों से बनाई जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, कपड़े देखते हुए जो इंडिया जी का बंगला था, देखिए छत्तीसगढ़ अपनी परंपरा को लेके, अपनी संस्कृति को लेकर के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और उस परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी की एक बड़ी प्रबल इच्छा थी कि दिल्ली में, और न केवल दिल्ली में, अंचल से लेकर के गांव में रहने वाली हमारी जो बहनें हैं, बिटिया हैं, वो इस सामग्री को बना रही हैं, महिलाएं हैं, उनको काम भी मिले, और साथ पहली कड़ी के रूप में हम यहां पर शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं। और प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे साथ में बस्तर के अंचल की जो हमारी राज्यसभा सदस्य हैं और बहुत पुरानी नेता हैं, आज वो विशिष्ट अतिथि के रूप में फूलो नेताम जी यहाँ तशरीफ फरमा है।
तो उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी अच्छी चीज बनाते हैं और अपनी संस्कृति, लोक परंपरा और अपनी गुणवत्ता के कारण वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में बनी हुई चीजें उन सभी चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए, कहीं सीधे तौर पे ये ऐसे आउटलेट्स खोलने से एक पहचान और कहीं कह सकता है कि उसको बढ़ावा मिलता है उन लोगों को। खासतौर पर मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एक महिला और महिला स्व सहायता समूह बस्तर में आदिवासी महिलाएं बहुत काम करते हैं। हमारे भैया करीब 700 किसान मारे गए धरती में, ठंड में, पानी में, बारिश में, गर्मियों में भी किसानों ने मेहनत करके धरने पे बैठे रहे और आखिरकार साल भर एक 7 महीने लगभग हो गया और वो उनको वापस ही जमीन देना पड़ा। लेकिन आप लोग विरोध क्यों, विरोध आखिर में देखने को मिल रहा है लेकर के कि आखिर में इस पे चर्चा करनी चाहिए, जब वापस ही कर लिया सरकार ने फिर उसके बाद विरोध नहीं। कृषि बिल वापस किया, हम उसका स्वागत करते हैं। जो MSP है और कई खामियां है उस पे विरोध चल रहा है, उसमें किसान भी आज भी रखे हुए हैं कि MSP लागू करें, गारंटी दें। सरकार तो कह रही है।